देख रहे हैं, इसे जलकौवा बोलते हैं, इंग्लिश में शायद कॉर्मोरेंट बोलते हैं इसको, इसको पनगोदर भी कहा जाता है हमारी आम भाषा में। ये दरअसल एक पानी का बर्ड है, ये सिर्फ पानियों में ही रहना पसंद करते हैं, सिर्फ ये घोंसला तालाब के किनारे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं या पहाड़ के दरारों में बनाते हैं। ये सिर्फ भोजन में मछली खाते हैं और दूसरा कोई आहार नहीं खाते हैं। ये पानी का बर्ड होने के कारण इसका पांव डक की तरह है, इसे सात डक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इसकी गर्दन लंबी और लचीली होती है। इसको ये पक्षी को मछुआरे अपना दुश्मन भी मानते हैं और कई जगह पे इसको मछुआरे पालते भी हैं मछली के शिकार के लिए। और जो तालाबों में मछली डालते हैं वैसे मछुआरे इससे दुश्मनी भी रखते हैं क्योंकि ये मछली को ही खाते हैं। इसलिए ये पक्षी प्रजनन काल के दौरान इसकी जो गर्दन के ये नीचे व्हाइट हो जाता है, इसका पाँव का ऊपरी हिस्सा व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर प्रजनन काल का समय खत्म होने के बाद इसका सेम पूरा ब्लैक हो जाता है। इसका प्रजनन काल सितंबर से लेकर फरवरी तक होता है। ये 3 से 5 अंडे देती है। इसकी आयु लगभग 20 से 23 साल तक की होती है। आप जो ये पक्षी देख रहे हैं इसको मैंने 20 रुपए में खरीदा है। कोई इसको कोई ढेपा या दल जो दल से इसको मार के इसके गर्दन पे इसको चोट था, इसको मैं 2-3 दिन से रखे हुआ था। अभी ये इसकी हालत मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, अभी ये उड़ सकता है। इसको मैंने 20 रुपए में खरीदा है। ये डक की तरह होते हैं पर ये इतना लंबा माइग्रेट नहीं करते हैं, ये एक इलाके ही तक में रहते हैं, या तो भारत के ये कोने से वो कोने। ये पक्षी तो बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। तो ये भी माना जाता है ये पक्षी जिस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं वो पेड़ 4 से 5 सालों में सूख जाता है। दोस्तों अब ये पक्षी को मैं रिलीज कर देता हूँ। ये उम्मीद है कि अपने वातावरण में ये अच्छी तरह के जीवित रह सकते हैं। ये जो पानी इधर देख रहे हैं, ये जो जंगल देख रहे हैं, ये जंगल में ये पक्षी नहीं रहते हैं। ये पानी जैसे ये पनकेला वगैरह है ये पानी में, इसलिए इसमें ये तैर नहीं सकते बराबर। मैं उम्मीद करता हूँ इधर फेंक दूंगा, ये उड़ सकता है ये पक्षी, शायद वो इलाके में जाके ये जीवित रह सके, ये साफ पानी की तरफ जा सके। ओके दोस्तों अभी मैं ये पक्षी को रिलीज कर देता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। चलो दोस्तों मैं इसको रिलीज करता हूँ अपने वातावरण में, देखते हैं ये सही से उड़ पाता है कि नहीं। ये तो भाग नहीं रहा है दोस्तों, अभी मुझे इस पर डॉट भी है कि सही से उड़ पा रहा है कि नहीं मालूम नहीं। लगता है ये पक्षी को मुझसे प्यार हो गया है, ये मेरे हाथों पे है पर ये उड़ नहीं रहा है। अब शायद ये उड़ नहीं पा रहा है कि क्या, ये उड़ नहीं रहा है या उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ इसको उड़ा के उड़ जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसके लिए कौन रोज़ रोज़ सुबह सुबह मछली पकड़ने जाएगा। खुद भी मैं परेशान हो जाता हूँ, ये मरी मछली को इतने शौक से नहीं खा रहा है जो मैं खरीद के बाज़ारों से भी इसको खिला दूँ। चलो दोस्तों इसको देखता हूँ ये उड़ पा रहा है कि नहीं, चले जाओ अपने। देखो दोस्तों इसको मैं फेंका हूँ ये सही से उड़ नहीं पा रहा है, अभी मालूम नहीं क्यों नहीं उड़ पा रहा है। इसको चोट का असर है ही, ये क्या है अभी क्या मालूम। इसको देखने से तो कहीं पैसा चोट नहीं लग रहा है पर ये उड़ भी नहीं पा रहा है, ये तो बहुत मुश्किल का काम है। इसके लिए रोज़ कौन अभी शिकार करते रहेगा। उड़ जा। लगता है दोस्तों ये अभी उड़ने के काबिल नहीं है, इसको 2-4 दिन रख के और अच्छे से खिला पिला के शायद उड़ने के काबिल हो जाए।